सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब स्वस्थ है ना? सब स्वस्थ और खुश होने ही चाहिए, ठीक है बेटा? देखो बेटा, ये कक्षा केजी का वीडियो है, क्लास केजी, और आपका विषय क्या है? हिंदी, यानी कि सब्जेक्ट हिंदी। बेटा ये आपका दोहरान कार्य है, मतलब रिवीजन, ठीक है? अगले महीने आपके पेपर है ना, तो उसके लिए मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ, ठीक है ना? जो आपके पेपर में आएगा ना, उससे रिलेटेड आपके पास ये रिवीजन है, ठीक है? ये पेपर में नहीं आएगा, इस ऐसा का ऐसा वर्क आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना? ये मत सोचना कि मैम यही पेपर में देगी, नहीं बेटा, ऐसा का ऐसा आपके पेपर आएगा, ठीक है ना? ऐसा ही पेपर आएगा आपका। तो देखो आज हम रिवीजन में क्या क्या करेंगे, अपने दोहरान में क्या क्या करेंगे। हमने पढ़े थे बेटा स्वर, स्वर पढ़े थे ना हमने। स्वर क्या होते हैं? अ से लेके अणे खाली तक, अह तक, अ से लेके अह तक जो वर्ण होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे साथ बोलेंगे? अ से अनार, मेरे साथ साथ बोलिए बेटा, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी से ईक, बड़ी से ईक, छोटा उसे उल्लू, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, आई से ऐनक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अह अह, ठीक है बेटा? ये पढ़े थे ना हमने स्वर, अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह, ये हमने स्वर पढ़े थे, ठीक है बेटा? फिर हमने देखो इस स्वर से ना बेटा एक राइम भी बनती है, मतलब एक छोटा सा पंक्ति में आप, मतलब जो राइम्स की पंक्ति होती है ना, जैसे आप रिदम में होता है सॉन्ग की तरह आप अच्छे से बोल सकते हो, तो उसकी तरह भी आप इनको बोल सकते हो। एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोलो, ऐसे अनार लाल है, आसे आम मीठा है, छोटी से इमली खट्टी है, बड़ी से ईक होती है, छोटा उसे उल्लू देखता है, बड़ा उसे ऊन बुनते हैं, री से ऋषि जपते हैं, ऐसे एड़ी चलते हैं, ऐसे ऐनक देखते हैं, ओसे ओखली कूटते हैं, औसे औरत सुंदर है, अंग से अंगूर खाते हैं, अणे खाली बजाओ ताली, है ना? मजा आया ना? एक बार और बोले, बोलो, ऐसे अनार लाल है, आसे आम मीठा है, छोटी से इमली देखते हैं, सॉरी, छोटी से इमली खट्टी है, बड़ी से ईक होती है, छोटा उसे उल्लू देखता है, बड़ा उससे ऊन बुनते हैं, री से ऋषि जपते हैं, ऐसे एड़ी चलते हैं, ऐसे ऐना देखते हैं, उससे ओखली कूटते हैं, औसे औरत सुंदर है, अंग से अंगूर खाते हैं, अहक अणे खाली बजाओ ताली, है ना? तो इस तरीके से आप करेंगे ना, तो आपको सारे एक बार में लर्न हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा? चलो फिर आते हैं हम, बाद में क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, मतलब आपके पास कुछ स्वर दिए हुए, इन स्वरों के बाद कौन सा स्वर आता है आपको वो पहचानना है, ठीक है? देखो आ से आम के बाद क्या आता है? छोटी से इमली,
आ से आम के बाद क्या आता है? छोटी से इमली। छोटा उसे उल्लू के बाद क्या आता है? बड़ा उसे ऊन। छोटा उसे उल्लू के बाद क्या आता है बेटा? बड़ा उसे ऊन। ऐसे एड़ी के बाद आई से आईना। ऐसे एड़ी के बाद आई से आईना। ठीक है बेटा, अब देखो बीच में क्या आएगा, मतलब आपके पास दो स्वर दिए हुए, इन दोनों स्वरों के बीच में कौन सा स्वर आएगा ये आपको पहचानना है। ठीक है, देखो अ से अनार के बाद क्या आता है? आ से आम। आ से आम। बड़ा उ से ऊन के बाद री से ऋषि। री से ऋषि। इसके बाद ए से एड़ी। ठीक है, ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद औ से औरत। और उसके बाद अंग से अंगूर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो या पहला स्वर लिखो। आप चित्र देख रहे हैं ना, आपको कुछ ये चित्र के नाम बोलने हैं, उसका पहला ही अक्षर लिखना है आपको। ठीक है, ये क्या है? आम। तो आम कैसे होता है? आ से आम। तो क्या लिखेंगे? आ। आम कैसे होता है? आ से आम। तो क्या लिखेंगे बेटा? आ। ये देखो एड़ी, ए से एड़ी, ए। ठीक है बेटा, अब देखो इधर देखो, ये क्या है? बड़ी से ई। तो क्या लिखेंगे? बड़ी ई, बड़ी ई। ये क्या है? ओ से ओखली, ओ। ठीक है बेटा, इस तरीके से चित्र देखकर आप उनका पहला अक्षर लिखोगे। ठीक है, अब देखो ये है मिलान कीजिए। मिलान करना तो आता है ना आपको, एक जैसे जो सेम सेम स्वर है ना, मतलब जो दिखने में भी एक जैसे और जो बोलने में भी एक जैसे, आप ऐसे भी पहचान सकते हो। ये अ से अनार को अ से अनार से, आ से आम को आ से आम से, छोटी सी इमली को छोटी सी इमली से। देखो अ से अनार, एक और ऐसे अनार कहाँ है? ये रहा। इन दोनों को क्या कर दो? मिला दो। आ से आम, ये रहा आ से आम। ठीक है बेटा, ऐसे एड़ी, ऐसे एड़ी, ऐसे अनाक, ऐसे अनाक। ठीक है बेटा, ये आपका है रिवीजन यानी दोहरान, आपके पेपर में ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो आप इन सबको अच्छे से घर पे क्या करोगे, आप मम्मा से कहना आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगी ताकि आप पेपर को अच्छे अच्छे से कर सको। करोगे ना? ठीक है बेटा, चलो जब तक पेपर होंगे तब तक हम क्या करेंगे, घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे और मास्क लगा के ही बाहर जाएंगे, है ना? ओके बेटा।